अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल हनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और तमाम दोस्तों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से अपने बर्ड्स का जो शेड है इसकी थोड़ी बहुत अपडेट शेयर करूंगा। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से इसकी अपडेट शेयर नहीं की, जिसमें फिंच हो गई, जावा, डव वगैरह सब की। तो ये माशाल्लाह से कुछ न्यू एंट्रियाँ थी जो आप लोगों से पहले भी शेयर की हैं। ये जैकोबीन का एक पेयर है, इसके अंडे एक मरतबा पोस्टिंग कर चुका हूँ और दोबारा इंशाल्लाह फिर इसकी सेटिंग बनाते हैं। टाइम ना मिलने की वजह से इनको सेट नहीं कर पाए और ये केजेस कुछ फारिक भी पड़े हैं, तो इनको भी इंशाल्लाह सेट करते हैं और पेयर्स लगाते हैं इनके। तो ये माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, ये ऑल फिंच की मेरा एक सिंगल पीस रह गया था जो कि इधर छोड़ा हुआ केजेस में। बाकी बर्ड्स को फीड वगैरह भी डालनी है और ये मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही होगी झाड़ू, ये सारी सफाई सफाई करते हैं इसकी, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है और कल भी बारिश आई है। बारिश का कुछ थोड़ा बहुत पानी अंदर आता रहता है जब बारिश तेज़ हो जाए, तो शेड में अब काफ़ी हद तक गंद हुआ पड़ा है। तो ये भी सफाई करते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोगों को सारे बर्ड्स की अपडेट भी दिखाते हैं अच्छे। तो सफाई के बाद आप लोगों से शेयर करता हूँ, इनको दाना पानी भी डालना है तो साथ साथ वो भी दिखाता हूँ। पहले सफाई कर लेते हैं। बाकी मेरे जो भी न्यू व्यूअर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जी। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमने सफाई सारी मुकम्मल कर ली है। ये देखें, शेड अब तकरीबन काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है और बाकी फिंच वगैरह के आपको हालात आजकल पता ही हैं। तो फिंच भी माशाल्लाह से मेरे पास अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, मैंने इनको नहीं स्टॉप किया। काफ़ी दोस्त कहते थे कि स्टॉप कर दो, ब्रीड रोक दो, दाना पानी इन्होंने फिर भी खाना ही है, तो ब्रीड क्यों ना ली जाए, कुछ तो निकालते ही हैं अपना फ़ायदा। बाकी माशाल्लाह से जावा भी अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है मेरे पास इस वक्त भी। इसके अलावा ये माशाल्लाह मेरा प्यार वाइट का, ये दो तीन क्लाच ज़ाया कर चुका है क्योंकि इनके बच्चे एक्सपायर हो जाते थे मेरे पास। तो अब इनकी सेटिंग चेंज करनी है क्योंकि ये जगह इनके लिए सही नहीं है। इनकी इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे, ये केजीज एक्स्ट्रा पड़े हैं, सारे एक्सपायर हुए पड़े हैं, तो इनको ओपन करेंगे इंशाल्लाह, इस पेयर को ना फुल केज देंगे डेढ़ तीन का, ताकि ये ज़बरदस्त इस वक्त भी अंडों पर बैठे हैं माशाल्लाह से। बाकी ये केजीज फ़िलहाल फारिग है। ये फिशर का जस्ट सिंगल पीस है, मेरे ख्याल से ये फीमेल ही है, तो इसको रोका हुआ है फिलहाल, इसके लिए और ले आएंगे बर्ड्स। तो ये केजेस ये भी फारिग है, ये भी फारिग पड़े हैं, तो इंशाल्लाह इनको बाद में सेट करेंगे। बाकी आज उम्मीद है कि ये केजेस भी फारिग हो जाएंगे, ये डब वाले, क्योंकि ये सिंपल डब सारी आज तकरीबन चली जाएगी, ये देनी है एक दोस्त को। ये तकरीबन पाँच छः पेयर बन जाएंगे। एक फीमेल अंडों पर भी बैठी है, उसके अंडे भी चेक करने पड़ेंगे कि क्या सूरत हाल है, तो ये भी इंशाल्लाह आज देते हैं। ये माशाल्लाह से बड़े पेयर थे, साफ़ सुथरे, लेकिन एक दोस्त को चाहिए तो उसे देने हैं। ये पेयर तो आप लोगों ने पहले ही देखा है, ये एक दोस्त की तरफ से आया हुआ है मेरे पास, फ़िलहाल मैंने ही रोका हुआ है, तो देखते हैं क्या रूटीन बनती है इनकी। इसके अलावा ये माशाल्लाह से हीरा के पट्टे चीक्स, ज़बरदस्त क्वालिटी में और प्योर चीज़ है, अगर किसी को चाहिए तो एक मेल अवेलेबल है इसमें से, वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी तो ये माशाल्लाह से पहले आप लोग देख चुके हैं, ये माशाल्लाह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी डव के चीक्स निकले हुए हैं, ये देखें ये माशाल्लाह से। उसके बाद इसमें अभी पट्टे हैं, ये इन्हीं का निकला था वाइट सिल्वर का पट्टा, ये भी आज उन्हीं के साथ ऐड करके भेज दूंगा, ये मेरे ख्याल से फीमेल ही निकली हुई है। तो बाकी इसकी भी माशाल्लाह ब्रीड आई हुई है पेयर की, ये भी माशाल्लाह मेरा बड़ा पेयर और ज़बरदस्त पेयर है। ये दो पेयर रोकूंगा, बाकी सब दे दूंगा, ये शौक के लिए जस्ट बचाने हैं। बाकी पाइड के पेयर देखते हैं अब इस बार क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि यंग पेयर लिया था लेकिन दो क्लच ज़ाया हो चुके हैं अनफर्टाइल, अब देखो तीसरे क्लच में क्या रूटीन देता है, क्या रिज़ल्ट देता है, तो इसका भी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बाकी ये पेयर माशाल्लाह से मेरा बहुत ही प्यारा पेयर और बहुत ही अच्छा पेयर है, देखते हैं ये क्या करता है। इसका भी मेल तकरीबन फीमेल को बुला ही रहा है अपनी तरफ, और ये देखें वाश भी बहुत ज़बरदस्त है,
ये आज पर्दा लगा हुआ है, इस वजह से आप लोगों को अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि मौसम ख़राब है, हवा चल रही है, इस वजह से मैंने पर्दा गिरा दिया था और बारिश वगैरह भी हुई थी। ये मेरा पैर देखते हैं आप, माशाल्लाह रेड का सेपरेट मेल है और फीमेल है ये पाइट के साथ। ये पैर भी माशाल्लाह से यंग है अभी, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द चल जाएगा। बाकी से साथ में ये पैर है, ये आप पहले भी देख चुके होंगे माशाल्लाह से, अच्छे पेयर हैं माशाल्लाह से और ज़बरदस्त। ये पाइट का फिर सिंगल पीस रह जाएगा, इसके साथ कोई ना कोई पीस लगाएंगे। बाकी ये ट्रेन की बार खींची हुई है, इनको अभी दाना डालना है सबको। ये देखें ये ट्रे लगी हुई है, इनकी भी ट्रे लगी हुई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है ट्रे वाला। बाकी एक पेयर डब का इधर छोड़ा हुआ है खुमरों का, इसको फ़िलहाल इधर ही रखा हुआ है, क्योंकि इसकी फ़ीमेल की आंखें ख़राब हो गई थी, अब काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ठीक हो गई है क्योंकि वो गंदगी की वजह से हुआ था, टाइम नहीं लग रहा था मुझे सफाई करने का, इस वजह से लेट होने की वजह से ये काम ख़राब हुआ है। तो ये भी एक कॉलोनी है फिंच की, तो इसमें भी काफ़ी यानी कि इस वक्त भी अवेलेबल हैं और ब्रीड भी आई हुई है माशाल्लाह से, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं, थोड़े बहुत बचाएंगे शौक के लिए, बाकी इंशाल्लाह निकालेंगे आगे। अल्लाह खैर करे, इरादा है जावा का, डव का, वो भी पाइट रखने का और जावा फान की तरफ इराने इरादे बन रहा है, तो आप लोगों को साथ चाहिए, दुआ चाहिए, तो देखते हैं अल्लाह खैर करे। बाकी ये शेड की सूरत हाल है मुकम्मल इस वक्त, यानी कि तकरीबन हाफ़ बर्ड्स बच चुके हैं, यानी कि मैंने तकरीबन निकाल दिए थे, एक तो टाइम ना होने की वजह से और दूसरे इसी तरह यानी कि इधर उधर लगे रहने की वजह से ना बर्ड्स को कम कर दिया बिल्कुल। ये देखें इनकी ट्रे बाहर जैसे निकाली है ये पहुंच गए हैं यहाँ पे जनाब, ये मेरे उस्मान बेटे के रखा हुआ पेयर, ये डरते वरते नहीं हैं। ये देखें इनके काम, इनको भी दाना शाना डालना है सारे बर्ड्स को। तो ये मेरे बर्ड्स की सूरत हाल है, मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों को, आप लोगों से बर्ड्स की इनकी अपडेट शेयर करूंगा, ब्रीडिंग की, फिंचेस की भी और जावा की भी, जावा की क्या सूरत हाल जा रही है, जावा की कॉलोनी में काफ़ी टाइम हो गया अंदर नहीं गए, इंशाल्लाह जावा की कॉलोनी में जाएंगे, आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या हालात हैं जावा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।